Today we will synthesize cinnamic acid from malonic acid and benzaldehyde. So आज हमारी फोर्थ लैब है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लैब कोट पहनना और सेफ्टी गॉगल्स पहनना. ठीक है, Ryan Little. Yoga. हमारा वर्किंग टेबल है जहाँ हम हमेशा यहीं पे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं. कुछ मशीन्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं. शी इज़ माई लैब पार्टनर और ये हमें इसकी की मिली होती है जो हम इससे इसको खोल सकते हैं और इसमें सामान है, इसलिए वो यहीं पे अवेलेबल रहता है और इसका ध्यान भी रखना होता है. तुम इसे तोड़ दोगे तो तुम्हें अपना नाम लिखवाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा. सो हैंडल विद केयर. किस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें हर इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है उसको अच्छे से वॉश करना है विद वाटर और फिर या तो एसीटोन से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से जिससे सही रहे. तो लैब में जो थोड़ी सी जो रोज़ मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें से ये है स्पैचुला, ये है मेजरिंग सिलेंडर एंड देन ये कॉनिकल फ्लास्क है, थोड़ा साइज़ में बड़ा है ये, एंड ये छोटे वाला है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये एसीटोन है और ये टेस्ट ट्यूब है. हमारे वर्किंग टेबल के साइड में एक सिंक टाइप होता है जहाँ पे आप वॉश कर सकते हो, उसके साथ में ये बॉटल होती है, ये वाली पे हम केमिकल्स जितने भी अगर वो हमें फेंकने तो इसमें फेंकेंगे. अभी हम लेंगे 1.84 ग्राम मेलोनिक एसिड. अभी हम बेंजल्डिहाइड और मैलिक एसिड को मिक्स कर देंगे. एक क्लैंप है, वो कंडेंसर है, जो भी मिक्सचर था वो उसको हमने ऐसे सेटअप में रख दिया. चैनल पे केमिकल फेंक के हमारे टेस्ट ट्यूब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. Thank you.
थोड़े टाइम के लिए इसे हीट करेंगे। ये काइंड ऑफ हमारा फाइनल रिजल्ट है, दैट इज क्रिस्टल्स। अभी इसको हम पेपर में निकालेंगे। कैपिलरी ट्यूब है जिसका हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, उसे उस कंपाउंड को हमें इसमें डालेंगे। एंड देन ये मशीन है मेल्टिंग पॉइंट, अपने यहाँ पे इसे डालेंगे और मशीन को ऑन करेंगे तो ये इसे मेल्ट कर देगी और हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। ये जो हमने क्रिस्टल्स बनाए हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। इसको हम इसमें लगा देंगे ऐसे करके, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। मुझे ये बताना है कि मतलब मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ कि जो भी क्लास में सबको ये IR का मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम है। ये देखो, ये तो पहले मैं एकदम हैरान हो गई कि मतलब इनको मेरा नाम कैसे पता है और इन्होंने एग्जैक्टली मेरे पास आके कैसे दिया। तो फिर मुझे बाद में पता चलता है कि पूरी क्लास वैसे ये है, इसमें भी मिला? हाँ मिल गया। और ये इनका है, इसमें भी मेरा नाम है, सबके इसमें मेरा नाम है, सबके सबको मेरे वाला मिला है। गाइस मैं थोड़ी सी फेमस हो गई हूँ। फेमस फेमस